आपको बता देते हैं, हमारे साथ मनीष शुक्ला जी जो कि प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं रामकुमार पाल जी राजनीतिक विश्लेषक। दूसरी तरफ होंगे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और अखिल स्वामी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आपके पास आएंगे, ये बताइए कि जब एक परिसर सील हो चुका है, वहां पर जाने के लिए मना किया जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से कि भाई आपके नेता के पास जेड प्लस सिक्योरिटी है और आज एक महापुरुष की जयंती है, आप मत जाइए, आपकी सिक्योरिटी है, आपको वहां पर बिच्छू है, तमाम तरह के ऐसे जीव जंतु हैं, कुछ दिक्कत हो जाए फिर आप उस पर भी राजनीति करेंगे, तो मान जाइए ना, इस पर इतना सियासी संग्राम करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी ये किसी बिल्डिंग को सील नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, ये एक विचारधारा को सील करने की बात करते हैं, किसी महानायक को सील करने की बात करते हैं, इस देश के महापुरुषों के अपमान करने की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और इतिहास को आप अगर देखोगी तो भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के समय से स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलन का अपमान किया है और हमेशा अंग्रेजों के साथ खड़े रहे हैं, तो इनकी मानसिकता देश विरोधी है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात रास्ते रोकने की, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रास्ते रोके हैं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के रास्ते रोके, केल ठोक करके रास्ते में भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने सौहार्द का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने अमन चैन का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आरक्षण का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी सच्चे मीडिया कर्मियों का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा मित्र का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक भर्ती का रास्ता रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने न्याय का रास्ता रोका है। ये देश भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से समझता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आजादी के समय अंग्रेजों के साथ थी, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध में खड़े होने का दुस्साहस अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती पार्टी है जिसकी विचारधारा में इस देश के झंडे को भी 75 सालों तक नहीं स्वीकार करने का साहस था भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में किसानों की हितैषी कैसे हो सकती है, समाजवादियों की हितैषी कैसे हो सकती है, नौजवानों की हितैषी कैसे हो सकती है, इनको ये सोचना पड़ेगा कि महानायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को सील करके नहीं रोक सकते हैं, ये जन आंदोलन बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आकर के जो किसानों की लड़ाई है, जो नौजवानों की लड़ाई है, जो पीढ़ी की। मनीष शुक्ला जी, आपके ऊपर आरोप बहुत गंभीर लग रहे हैं, हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी रोकती है आगे बढ़ने से, आगे जाने से। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि गुंगे भैरों की ये सरकार है, पार्टी है, और लगातार ये भी कह रहे हैं कि विनाशकारी हैं बीजेपी के लोग, विकास नहीं बल्कि विनाश की राजनीति करते हैं। देखिए प्रियंका जी, दरअसल अखिलेश यादव अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर के शिकार हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, जेट सुरक्षा है, और जो उन्होंने यूं मचकाने की है केवल मीडिया का अटेंशन प्राप्त करने के लिए की है। रहा सवाल लोकनायक जयप्रकाश जी का, उनके सिद्धांतों का, उनके विचारों का, तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का आचरण तो उनके प्रतिकूल है। जयप्रकाश नारायण जी को अगर धर्मेंद्र यादव पढ़ लें, अखिलेश यादव पढ़ लें, उन्होंने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया, उन्होंने हमेशा अपराध का विरोध किया, उन्होंने राजनीति में उन सभी तत्वों का विरोध किया जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आज आगे बढ़ रही है। केवल समाजवादी पार्टी नाम रख लेने से विचारधारा समाजवाद की नहीं हो गई है, सबको पता है कि किस तरीके से परिवार और केवल एक गांव के विकास को ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने अपनी बात मानी है। और विनाशकारी, जहां तक सवाल रहा विनाशकारी होने का, हाँ, भारतीय जनता पार्टी विनाशकारी है। उस रेपिस्ट मोहित खान के लिए, उस रेपिस्ट नवाब सिंह यादव के लिए जिसके लिए अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी विनाशकारी है उस माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के लिए जो हजारों लोगों का शोषण करके। लेकिन आज के दिन तो ये आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए थे ना? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सियासी जंग का अखाड़ा बना दिया बेवजह। आप जा रहे हैं किसी महापुरुष की जयंती मनाने, माल्यार्पण करना है, ठीक है, आपको पता है कि वहां पर सील है, एरिया नहीं जा सकते हैं। अखिल स्वामी राजनीतिक विश्लेषक, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये बताइए अखिल स्वामी जी, प्रियंका जी मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। सर मेरे पास समय कम है, बोलिए, आप जल्दी बोलिए, 10 सेकंड में। हाँ बिल्कुल, देखिए एनडीए ने कल ही अखिलेश यादव जी को पत्र लिख दिया था कि वहां की परिस्थिति ऐसी नहीं है, भवन निर्माणाधीन है, और अगर माल्यार्पण करना था कहीं कर सकते थे, एक मूर्ति कहीं से उन्होंने उखाड़ कर लाया और सड़क पर कर दिया, ये अपमान ही है जयप्रकाश नारायण जी का,
दरअसल ये राजनीति करना चाहते थे, ये केवल और केवल अटेंशन पाना चाहते थे, क्योंकि अभी तक लगातार जिस तरीके से इनके इनके नेताओं के नाम अपराध अपराधियों के साथ आ रहे हैं, उससे निजात पाने के लिए इस तरह का राजनीतिक नाटक इन्होंने किया लखनऊ की सड़कों पर। आपका ये मानना है अखिलेश यादव अटेंशन सीकर है, इस चीज का डिसऑर्डर है उन्हें? आप अपनी बात आप यहाँ रख चुके हैं, लेकिन अखिल स्वामी जी आपके पास आते हुए कि आखिर इस महापुरुष जयंती के मौके पर अखिलेश यादव सीधे तौर पर सरकार से टकराहट क्यों ले रहे हैं, आखिर क्या वजह है? क्योंकि अभी इस साल के अंत में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ये वजह है? 2027 का विधानसभा चुनाव, ये वजह है? या फिर अब जो लोकसभा के चुनावों में 80 में से 37 सीटें जीत गए हैं, उसका एक अलग ही कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी का सामना सिर्फ सपा ही कर सकती है, कांग्रेस में दम नहीं है, ये दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है, जो लोकनायक जयप्रकाश है, इनके सानिध्य में, इनके नेतृत्व में हम लोग इमरजेंसी के खिलाफ लड़े थे, तो मैं लोकनायक जी का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। हम लोग कहते हैं लोकनायक लोहिया जयप्रकाश, गांधी लोहिया जयप्रकाश, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बात, लोकनायक जयप्रकाश की मूर्ति और वहां पे भवन को सील करने का क्या मतलब है? क्यों आपने सील किया लोकनायक की मूर्ति को? उसके लिए रास्ता साफ क्यों नहीं किया? एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है ना? लोकनायक के मूर्ति पे माल्यार्पण करने से रोकने का क्या मतलब है? उनको क्या अंधेरे में और बिच्छुओं के अंदर रखेंगे हमारे लोकनायक जयप्रकाश को? सर, एलडीए की तरफ से एक नोटिस जारी होता है, वो कहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए उन्हें जाने से रोका जा रहा है। एक बड़े कद्दावर नेता है अखिलेश यादव, जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से रोक रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे लोकनायक जयप्रकाश जो है महात्मा गांधी से नहीं है, हमारे लोग कानून को नहीं मानते, गांधी और जयप्रकाश हैं, और हम अगर आप जेड प्लस सिक्योरिटी छोड़िए, आर्मी की सिक्योरिटी दिला दीजिए, वहां पे बिच्छू और सांप है उनको मरवा दीजिए, इतना भी सरकार नहीं कर सकती। आप विदेशी शक्तियों से लड़ेंगे, आप चीन को नहीं रोक पा रहे हैं, आप पाकिस्तान आप मानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से अगर रोका वहां जाना रोका है तो वो गलत किया है, आप ही मानते हैं इसके पीछे बीजेपी की गलती है? रामकुमार पाल जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल राजनीतिक है भाई। मैं अगर गांधी जी की मूर्ति में जाके माल्यार्पण करता हूँ, ये राजनीतिक कैसे हो गया? सर, अंडर कंस्ट्रक्शन अगर कोई चीज है, कोई एरिया सील है, तो ये तो नियमों का पालन तो करना होगा ना, चाहे फिर वो राजा हो, रंग हो, नेता हो, सामान्य जनता हो, आपको उदाहरण तो पेश करना पड़ेगा। बढ़िया, रामकुमार पाल जी बताइए, ये कहा जा रहा है बार बार कि जितनी फोर्सेस अखिलेश यादव को रोकने के लिए लगाई, उतनी ही सहूलियत अगर उन्हें दे देते, वहां से वो बिच्छू और जीव जंतु हटवा देते, तो अपना माल्यार्पण करके अखिलेश यादव वापस चले जाते, इतना सब कुछ संग्राम देखना ही नहीं पड़ता? बेसिक चला नहीं, अभी आपने जो कहा सही है, नैतिकता तो यही कहती है कि लोकनायक जी की कोई भी दर्शन, अखिलेश क्या है, मायावती है, सब लोग कर सकते, जाने देना चाहिए, उल्टा व्यवस्था बना के बड़ा दिल करना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन सपा के जो अभी दिखे कि बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े झूठ बोल रहे, आजादी में बीजेपी कहाँ थी, आपकी पार्टी कहाँ थी सपा आजादी के वक्त, जो कांग्रेस थी उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रेश थे, ये ध्यान रखिए। हमेशा आप इतना लंबा लंबा झूठ बोलते हो कि आजादी में बीजेपी खिलाफ थी, तो आपकी ना पार्टी थी ना बीजेपी, बीजेपी तो 1980 से स्थापित हुई है, जनसंघ था, कुछ लोग थे, आपके लोग भी कांग्रेस में थे, क्या मुलायम सिंह कहीं और से आए हैं, कांग्रेस में नहीं थे? छोटा सा रिएक्शन कर लूं, छोटा सा रिएक्शन धर्मेंद्र यादव के लिए, आप जरा सा बहुत छोटा मिलता है, देश जानकार है, आज के युवा जानते हैं, सब चीज से जानते हैं, आजादी के आंदोलन में कौन कौन शरीक था देश जानता है। लेकिन मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी बताइए कि अखिलेश यादव ने क्या उपचुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन किया है, बताया कि मेरे साथ इतनी जनता है, और ये सीधा बताया कि भाई हम ही हैं जो बीजेपी का दमदार तरीके से सामना करेंगे, जयप्रकाश के नाम पर राजनीति क्यों, कोई औचित्य तो बनता नहीं है? प्रियंका जी लोक नारायण जयप्रकाश जी इस देश के महानायक हैं, देश को दिशा देने का काम किया है, उनके विचारधारा से इस देश की प्रगति निश्चित होती है, युवाओं का भविष्य निश्चित होता है, इसलिए हम उनका सम्मान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो बहाने बना रही है ना एलडीए कि उसमें बिच्छू और सांप है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो बिच्छू और सांप के करेक्टर घुसे हुए हैं उसको निकालने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में जो बिच्छू और सांप घुसे हुए हैं उसको निकालने की जरूरत है। योगी जी को चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बिच्छू और सांप की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मनीष शुक्ला जी जो बिच्छू और सांप की तरह व्यवहार कर रहे हैं, सारा ये बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है पर रोकना होगा मुझे, लेकिन लगातार ये सवाल है कि एक महापुरुष की जयंती पर आखिर क्यों इस तरीके से सियासी संग्राम का माहौल बनाया गया,
क्यों उत्तर प्रदेश की राजनीति लखनऊ को जंग का अखाड़ा बनाया गया, क्या ये एक शक्ति प्रदर्शन था उपचुनाव से पहले, ये बताने की इस कोशिश और ये तरीका था कि भाई हम इतने शक्तिशाली हैं। आप देख लीजिए, हमने लोकसभा में भी जीता, अब आगे उपचुनाव के लिए भी हम तैयार हैं। इसी बड़े सवाल के साथ हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।